हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एजु ऑनलाइन। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की लेक्चर सीरीज, जिसमें 5 लेक्चर्स होंगे एंड उसका पहला लेक्चर इस वीडियो में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 में सबसे पहले हम कुछ टर्म डिस्कस करेंगे, जैसे कि कैपिटल ई, कैपिटल जी, कैपिटल के एंड म्यू। ई इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, एंड कैपिटल जी इक्वल टू सीयर स्ट्रेस अपॉन सीयर स्ट्रेन, जो कि सीयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, एंड के इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसे हम बल्क मॉडुलस कहते हैं, एंड म्यू जो कि पोइजन रेशियो होता है, इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। म्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.5 होती है एंड मिनिमम वैल्यू 0 होती है। दोस्तों, एग्ज़ाम में म्यू की वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर म्यू की कुछ वैल्यू दी हुई हैं राइट में। म्यू इक्वल टू 0 फॉक मटेरियल के लिए होता है, म्यू इक्वल टू 0.5 प्लास्टिक बॉडीज़ के लिए होता है, एंड कॉन्क्रीट के लिए म्यू की वैल्यू 0.1 to 0.2 होती है, एंड इलास्टिक मेटल्स के लिए 0.25 to 0.4 होती है। लेफ्ट साइड में कैपिटल ई, जी, के एंड म्यू के रिलेशन दिए हुए हैं। ई इक्वल टू 2g into 1 plus mu एंड ई इक्वल टू 3k into 1 minus 2 mu। इन दो इक्वेशन से हम ई, जी, के में रिलेशन भी निकाल सकते हैं म्यू को एलिमिनेट करके। एंड डक्टाइल मटेरियल्स के लिए म्यू हमेशा ब्रिटल मटेरियल के म्यू से ज़्यादा होता है, तो म्यू ऑफ डक्टाइल इज ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ब्रिटल। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट की। तो होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट 2 होते हैं, एंड ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए 9 एंड एनआइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 21। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 into डायमेट्रिक स्ट्रेन, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ स्पीयर इक्वल टू 3 into डायमेट्रिक स्ट्रेन। अब बात करते हैं टॉर्सन इक्वेशन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टी वाई जे इक्वल टू टाओ वाई सी इक्वल टू जी थीटा वाई एल। यहाँ पर टी जो है टॉर्सन है, कैपिटल जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, जो कि आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है, एंड टाओ शियर स्ट्रेस है, एंड सी रेडियस है फ्रॉम सेंटर, एंड जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज द एंगल, एंड एल इज द लेंथ ऑफ कॉलम और लेंथ ऑफ बार। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की। तो बीम की डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम एम इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वेशन यूज़ करते हैं, जिसमें हम डबल इंटीग्रेशन करके वाई निकाल सकते हैं किसी भी एक्स पर। तो फॉर हॉगिंग एंड अपवर्ड डिफ्लेक्शन के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, एंड फॉर सैगिंग एंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर ई आई जो है वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। अब बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन बीम। तो रेक्टेंगुलर बीम के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। टाउ एवरेज हम पी वाई ए से निकाल सकते हैं। फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए टाउ मैक्स होता है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज होता है, एंड फॉर ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए सेम एज रेक्टेंगुलर 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। एंड क्रीप, क्रीप जो होता है डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल में, जो कि डेड लोड और कांस्टेंट लोड की वजह से होता है, कभी कभी साइक्लिक लोड की वजह से भी होता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं लिखा हुआ है। नाउ कॉलम एंड स्ट्रट्स। कॉलम जो होते हैं वर्टिकल मेम्बर होते हैं, जो कि एक्सियल लोड कैरी करते हैं, एंड स्ट्रट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। अब बात करते हैं यूलर इक्वेशन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूलर इक्वेशन जनरली लॉन्ग कॉलम के लिए यूज की जाती है, जो कि पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर इक्वल टू क्रिटिकल लोड। यहाँ पर ई आई मॉडुलस ऑफ सॉरी ई आई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, एंड एल ई इफेक्टिव लेंथ है।
इफेक्टिव लेंथ डिपेंड करती है टाइप ऑफ सपोर्ट्स पर। तो अब बात करते हैं रैंकिन इक्वेशन की। रैंकिन इक्वेशन जनरली लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों कॉलम के लिए यूज की जा सकती है, जो कि पी इक्वल टू सिग्मा सी ए अपॉन वन प्लस अल्फा इंटू एल बाई के का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस है एंड अल्फा सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई है, जो कि रैंकिन कॉन्स्टेंट कहलाता है, एंड के लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है। यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ दी रखी है फॉर डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन के लिए। तो जब दोनों सपोर्ट हिंज हों तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ कॉलम होती है, एंड एक सपोर्ट हिंज एंड दूसरी फिक्स हो तो हम एल बाई रूट टू इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, एंड दोनों सपोर्ट फिक्स होते हैं तो एल बाई टू हाफ ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। एंड अगर एक सपोर्ट फ्री हो दूसरी फिक्स हो तो हम 2L एज अ इफेक्टिव लेंथ लेते हैं। तो दोस्तों लेक्चर वन में सिर्फ इतना ही, अगला लेक्चर जल्दी आने वाला है, उससे पहले आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।